जोशी आशीष और आप देखना शुरू कर चुके हैं ज्योतिष की दुनिया का आपका अपना यूट्यूब चैनल दरुद्रा एस्ट्रोलॉजी। आज हम बात करेंगे गर्भाधान संस्कार के विषय में। हमारे हिंदू धर्म में कुल 16 संस्कार है जिसे प्रधान संस्कार के रूप में स्थापित किया गया है। गर्भाधान, पुंसवन, विवाह, अंत्येष्टि, यज्ञोपवीत इत्यादि 16 संस्कार को प्रधानता दी गई है। उसमें सबसे पहला है गर्भाधान संस्कार। गर्भाधान संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर योग्य मुहूर्त में गर्भाधान संस्कार के मुहूर्त में गर्भाधान किया जाए तो उससे योग्य संतति की प्राप्ति होती है। जो सुपुत्र हो, अल्पायु न हो और सदैव आज्ञाकारी रहने वाला संस्कारी सुपुत्र की प्राप्ति हो उसके लिए गर्भाधान संस्कार का विधान शास्त्रों में बताया है। अन्यथा विचित्र रूप से गर्भाधान करने से कुपुत्र की प्राप्ति होती है। तो गर्भाधान का महत्व शास्त्रों में ग्रंथ में संस्कार प्रकाश नाम के ग्रंथ में हमें श्लोक में इस प्रकार मिलता है कि यादृशेन हि भावेन शुक्रम यौनौ समुत्सृजेत तादृशेन हि भावेन संतानम संभवेति। अर्थात जिस प्रकार की मनोकामना से, जिस प्रकार के विचारों से व्यक्ति है वह शुक्र की स्थापना गर्भ में करता है, गर्भाधान करता है, उसी प्रकार के विचारों वाली, उसी प्रकार के आचरण वाली उसकी संतति होती है। मतलब अगर आप अच्छे मुहूर्त में अच्छे विचारों के साथ गर्भाधान करते हैं तो अवश्य ही आपको संस्कारी और सुसंतति की प्राप्ति होगी। अन्यथा आपके विचारों से मलिन, आपका अनुकरण न करने वाली संतति होती है। तो गर्भाधान का इतना महत्व शास्त्रों में बताया है। गर्भाधान का मुहूर्त कब है, कैसे देखा जाता है, क्या करना चाहिए, किस समय गर्भाधान करना है, किस समय नहीं करना है, सारी जानकारी इस वीडियो में हम प्राप्त करेंगे। तो अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें। अगर यह जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। साथ में इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर लीजिए। वहां पर भी धर्म विज्ञान ज्योतिष की ऐसी ही जानकारियां पोस्ट के माध्यम से, रील के माध्यम से शेयर करते रहते हैं। दरुद्रा एस्ट्रोलॉजी यही यूजर नेम है, वहां पर भी आप फॉलो करें। चले वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं गर्भाधान संस्कार के बारे में। सबसे पहले गर्भाधान संस्कार के विषय में ग्रंथों में हमें क्या प्रमाण मिलता है, किस समय करना है और किस समय गर्भाधान नहीं करना है, उस विषय में मुहूर्त चिंतामणि नाम के ग्रंथ में हमें एक श्लोक देखने मिलता है। ग्रंथों में श्लोक इस प्रकार है, भद्रा षष्ठी पर्वरिक्ताश्च संध्या भौमार्कार्की नाद्य रात्रिश्च तस्रः गर्भाधानं त्युत्तरेन्द्वर्कभमेत्र ब्रह्मस्वाति विष्णुवस्वम्बुपेसत। अर्थात इस ग्रंथ, इस श्लोक में कुछ नियम बताया है। पहले कहा है किस समय गर्भाधान नहीं करना है, भद्राकरण में, मतलब कि जो करण है विष्टि जिसे कहा जाता है उस भद्राकरण में गर्भाधान नहीं करना है। षष्ठी तिथि में गर्भाधान नहीं करना है। फिर है पर्व, पर्व अर्थात अष्टमी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या और सूर्य संक्रांति। इन 5 दिनों को पर्व की संज्ञा दी गई है। इन 5 दिनों में भी गर्भाधान नहीं करना चाहिए। भद्रा षष्ठी पर्व रिक्ताश्च संध्या, मतलब रिक्ता तिथि, रिक्ता अर्थात चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि, इन तिथियों में भी गर्भाधान नहीं करना है। संध्या समय में, सूर्योदय के समय या फिर सूर्यास्त के समय, जब दिन निकल रहा हो या फिर दिन ढल रहा हो, उस समय में भी संतति उत्पन्न करने के लिए गर्भाधान नहीं करना चाहिए। उसकी भी एक विशेष कथा है, जो कश्यप ऋषि की कथा, सुर और असुर के उत्पन्न होने की जो कथा है वह पुराणों में देखने मिलती है, तो उसको वो बात करेंगे तो बहुत ज्यादा चर्चा हो जाएगी। अभी श्लोक के अर्थ की बात करते हैं। संध्या, फिर आगे बताते हैं भौमार कार की, मंगलवार, रविवार और शनिवार, इन तीनों वार में और नाट्य रात्रि चतस्रह, मतलब रजो दर्शन के बाद की जो प्रथम 4 रात्रियां हैं उनमें गर्भाधान संस्कार नहीं करना है। उसके अलावा भी धर्मसिंधु ग्रंथ के आधार पर बताए तो 11वीं और 13वीं रात्रि होती है, उनमें भी गर्भाधान संस्कार करना वर्जित बताया है, उससे कुपुत्र की प्राप्ति होती है। तो प्रथम 4 रात्रियां जिससे संतान है वह रोगी होती है, और 11वीं और 13वीं रात्रि में भी गर्भाधान नहीं करना है।
तो गर्भाधान कब करना चाहिए उसके विषय में आगे बताते हैं। गर्भाधानम कृत्तरेन द्वर्क मैत्र ब्राह्म स्वाति विष्णु वस्वम उपेसत। इन श्लोक में 11 नक्षत्रों के नाम बताए हैं। यह नक्षत्र है वह गर्भाधान संस्कार के लिए सर्वोत्तम है। कौन से यह नक्षत्र है आइए जानते हैं। तीनों उत्तरा मतलब कि उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा षाढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, रोहिणी, स्वाति, श्रवण, धनिष्ठा और शततारा, यह 11 नक्षत्र जो है वह गर्भाधान के लिए सर्वोत्तम बताए हैं। उसके अलावा त्रिविध गंडांत का त्याग करना है, नक्षत्र गंडांत, तिथि गंडांत और लग्न गंडांत, इनमें नहीं करना है। यह गंडांत क्या है वह जानने के लिए नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा भी शास्त्रों में सुखरूप प्रसव के भी उपाय बताए हैं, अगर वह जानना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप पर आप हमारा संपर्क कर सकते हैं। अगर आप अपने लिए सुयोग्य मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं गर्भाधान के विषय में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। गर्भाधान के विषय में एक महत्वपूर्ण सूचना आपको प्रदान करें कि गर्भाधान संस्कार का जो मुहूर्त होता है उनमें कई लोग पूछते हैं कि गुरु जी इनमें जो चंद्रबल देखा जाता है वह वर का देखा जाए या वधु का, पति का देखा जाए या पत्नी का। तो शास्त्रों में हमें नियम इस प्रकार देखने मिलता है कि जो गर्भाधान संस्कार है और विवाह संस्कार, इन दोनों संस्कारों में कन्या का चंद्रबल देखना अनिवार्य है। इनके अलावा कोई भी कार्य करना हो जब तक पति जीवित हो, ध्यान रखिएगा जब तक कन्या का पति जीवित हो तब तक पति का ही चंद्रबल देखना है, कन्या का चंद्रबल देखना अनिवार्य नहीं है, और पति के गुजर जाने के बाद कन्या का चंद्रबल देखना है। उसके अलावा एक बोनस टिप यहाँ पर आपको प्रदान करें कि गर्भाधान समय के लग्न में अगर एकादश भाव में चंद्रमा हो तो प्रथम प्रयास से ही सुपुत्र की प्राप्ति होती है। अगर आप हमसे मुहूर्त निकलवाना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे सीमंतोन्नयन संस्कार है उसका क्या महत्व है, कब करना चाहिए और इस बार में सीमंतोन्नयन किया जाए तो उसका क्या फल है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही जानकारियां इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। धर्म विज्ञान की जानकारियां प्राप्त करने के लिए इन दोनों में से किसी एक वीडियो के ऊपर क्लिक करें। जल्द ही मिलते हैं ऐसी ही शास्त्रीय जानकारियों के साथ, नए शास्त्र के प्रमाणों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। वंदे मातरम।